गरमा रोज प्रसाद चढ़त है खीर का। तो अम्मा बोली कि मैं खीर खिलाए दो करो, आई खीर में स्वाद बहुत आउते। अब या तो सही है, जबकि हमें कोई चीज ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पड़ा रहा है, खीर साधारण है लेकिन वास्तव में स्वादिष्ट है। ले अम्मा खीर, अम्मा खीर खाओ, अम्मा ले अम्मा खीर। अम्मा कैसी है अम्मा खीर? बढ़िया है, बढ़िया है, स्वाद। आज सुबह सुबह अम्मा बोली हमसे, बड़ा इशारा समझाएं कहीं भैया ही आओ। हमकी अम्मा का बात है तो अम्मा कहें कि ऐसो करो भैया, अब हमारे पास समय ना है। हमकी अम्मा जो होता वो कहें हमारे पास अब समय ना है। अब ये दुई बच्चा तुम्हारे है तो तीन बच्चा, वो तो खैर छोटी रोड़िया तुम्हारी एक है, ये दुई बच्चे जो शादी लायक है अब इनका निपटा दो बेटा, हम दिखैया है इन दुई बच्चों की शादी दिखैया, अब हमारे पास समय है ना है। तो हम क्या अम्मा तुम ऐसे कैसे मर्जी हो, 24 घंटा हमारी नजर रहा थे तुम पर, परिवार की नजर रहा थे, हर चीज तुम्हें उपलब्ध करा दी जाते। ना भैया तुम भूल गए फिर हमारी बात, मौत आएगी तो निकलना ही पड़ेगा। तो हमने कहा अम्मा बात तो सही है, जाओ बताएंगे ऐसा है, हम दुई भाई रहे, तीन बहनी हमारी है, अब तुम्हें जो तो मनमय है कि सब कहां है, दुई भाई रहे वो खत्म हो गए, तीन बहनी रहे एक जय बची है, दुई बहनी खत्म हो गई, तो ये तो बड़ी भाग्यशाली है, भाई बहन में है कोई अकेले बची है सिर्फ। तो हमने कहा अच्छा अम्मा, तो ठीक अम्मा, हमने कहा तुम्हारे आदेश पर पालन हुई है, अब कहे हो अम्मा लेकिन जो ना बोलो कि हमारे पास समय ना है, हम कैसे रहो तुम्हारे बिना, जो तो बताओ हम कैसे रहो। स्वाद से याद आओ, जब हम परिवार पूर्वक संयुक्त रूप से रात रहे, पिताजी रहे और अच्छा खासा हाहाहुई होत रहा है, तो वास्तव में चाहे जितने हम मोहन भोग बनवाए ले, चाहे जितना स्वादिष्ट बना, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है जो जो सबके साथ भोजन करते थे, पिताजी थे, सब पूरा घर परिवार रहा है, भले साधारण खाना बन रहा है लेकिन जो हिमा स्वाद रहा है वो स्वाद हमें आज नहीं मिल पाया। और जबकि अच्छे से अच्छे व्यंजन बनते हमारे यहाँ है, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में हमने देखा है कि जो संयुक्त परिवार में है, जैसे पहले रहा है सब भाई बहन एक रहे, पिताजी रहे, खाना संयुक्त रूप से बनते रहा है, हम कुछ करते नहीं थे, कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ पिताजी अध्यापक थे, पिताजी की सैलरी मिलती थी, उसी पर जीवन यापन पूरा पूरे परिवार का रहता था, बहुत स्वाद आउत रहा है, भले दाल रोटी रहा है, भले उनके साथ चटनी ना हो, अरे बहुत स्वाद। और आज 56 प्रकार की भोजन बनावे के लिए हमारी क्षमता है, लेकिन वो स्वाद और इस स्वाद ना है, स्वाद ना यार। जैसे प्रसाद खीर बनाई गई, अब बहुत ही साधारण है, सिर्फ प्रसाद के रूप में बनाई गई, बड़े बड़े स्वाद है। अम्मा ए अम्मा, अब बच्चन की शादी हो जाए रही, कह रहा हो कि जल्द हम शादी दिखैया है, अब शादी करे जा रहे अम्मा, अब छोड़ न जाइए अम्मा, अम्मा हम रह ना भाई वो अम्मा तुम्हारे बिना, अम्मा रह ना भाई वो तुम्हारे बिना, अम्मा जाइयो ना इसे छोड़ करे आए अम्मा, हाँ तुम्हारे बिना शायद हमारा संसार सब बिल्कुल बेकार है भाई, ये बिल्कुल अम्मा छोड़ियो ना मैं। हालांकि तो खैर संसारिक व्यवस्था है, ईश्वर व्यवस्था है, जो आएगा वो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऊपर वाले की बड़ी अलग महिमा है। पहले बिल्कुल अलग अकेले आता है आदमी, फिर धीरे धीरे बच्चे होते हैं, पत्नी मिलती है, सब होता होता सब पूरा घर जब भर जाता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, बच्चे हो तो उनकी शादी हो जाती, पत्नी रह जाती, पत्नी में भी कंपटीशन चलते हैं, फिर धीरे धीरे एक आदमी कम हो जाता, पता चला अकेले रह जाते, तो धीरे धीरे बड़ी
मोह माया भरी जो संसार है। और अब अम्मा कह रहे हैं कि हमारा टाइम आ रहा नजदीक, लेकिन अम्मा तुम्हारे बिना हम रहना है भाई। वो अम्मा अम्मा आईसो दिन ना भाई अम्मा हमारे जीवन कि तुम चली जाओ, तुम जाए ना अम्मा है और तुम्हारा पूरा हम ख्याल रखी वो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, ठीक अम्मा। अच्छे अच्छे भोजन करे वो, अच्छे अच्छे फल फ्रूट तुम्हें दे वो अम्मा, चाहिए ना अम्मा आशीर्वाद दे अम्मा। अम्मा है बातें हो जाती हैं। अम्मा है, धन्यवाद।